नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख रखने वाले तेजस्वी ने गुरुवार को ट्वीट कर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार में 23 राज्यों से ज़्यादा बेरोजगारी है। बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को स्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन करने, उद्योग धंधे लगाने और पलायन रोकने में पूर्णतः विफल रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने अपने ट्वीट के साथ एक फ़ोटो भी पोस्ट की है, जिसमें झांकी के जरिए बीटेक शिक्षित को समोसा तलते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर में बीएड और एमबीए शिक्षितों को भी प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। इससे पहले पिछले महीने कश्मीर में आतंकी हमले में बिहारियों की मौत के मामले में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया था। बिहार के बांका जिले के अरविंद शाह श्रीनगर में गोलगप्पे बेचते थे। आतंकियों ने पिछले महीने उनकी हत्या कर दी थी। कश्मीर के कुलगाम जिले में भी बिहार के दो श्रमिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तेजस्वी ने इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि डबल इंजन की सरकार की डबल मार, बिहार में नौकरी रोजगार देंगे नहीं, बाहर जाओ तो मार दिए जाओगे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।